उदाहरण 14, वर्ग समीकरण 2x2 ऋण 7x धन 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल 2x2 ऋण 7x धन 3 बराबर 0। यहाँ पे हम धन 3 का पक्षांतर करेंगे, 2x2 ऋण 7x बराबर ऋण 3। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब हम दोनों पक्षों से में 2 से भाग देंगे तो हमें 2x2/2 करेंगे तो x2 मिलेगा, ऋण 7/2x बराबर ऋण 3/2। दोनों पक्षों में हमने यहाँ पे दो का भाग देने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद या x2 ऋण, इसे हम लिखेंगे सर्वसमिका का प्रयोग करने के लिए 2x गुणा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 हम करेंगे तो ये कट जाएगा तो हमारे पास x प्राप्त होगा, गुणा 7/2 बराबर ऋण 3/2। हमने 7/2 को लिखा है, 7/2x को लिखा है, 2x गुणा 1/2, 2 कट जाएगा तो 7/2 ही हमें प्राप्त होगा। या x2 ऋण 2x गुणा 7/4, तो 2x का गुणांक हमारे पास 7/4 है तो यहाँ हम दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग का योग करेंगे, दोनों पक्षों में 7/4 बराबर ऋण 3/2 धन 7/4 या x2 ऋण 2x गुणा 7/4 धन 7/4 को हम लिखेंगे x ऋण 7/4 बराबर ऋण 3/2 धन 49/16 या x ऋण 7/4 बराबर लघुत्तम हमारा आया 16 को 2 से भाग किए तो 8 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 24 धन 49 या x ऋण 7/4 बराबर 25/16 या x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण, वर्ग का पक्षांतर करें तो वर्गमूल 25/16। हमें प्राप्त हुआ था x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 25/16 या x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 25/16 का आ जाएगा 5/4। धन चिन्ह लेने पर x ऋण 7/4 बराबर धन 5/4 या पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा 5/4 ऋण 7/4 को पक्षांतर करेंगे तो धन 7/4 या x बराबर 4
पाँच धन सात, या x बराबर 12 बट्टा 4, या x बराबर 3। ये हमारा पहला हल है। उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x ऋण 7 बटा 4 बराबर ऋण 5 बटा 4, या x बराबर ऋण 5 बटा 4 धन, पक्षांतर करेंगे तो 7 बटा 4, या x बराबर लघुत्तम 4 आएगा तो ऋण 5 धन 7, या x बराबर 2 बटा 4, या x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। इस तरह से हमें x के दो मान मिले, x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा 2। तो यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, इन वर्ग समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पहला, x का वर्ग ऋण 3 बटे 4x धन 3 बराबर 0। दूसरा, 2x का वर्ग धन 5x धन 3 बराबर 0। तीसरा, 9x का वर्ग ऋण 15x धन 6 बराबर 0।